लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अक्सर जब कहीं पर जा रहे होते हैं और अचानक सामने से कोई बिल्ली आकर रास्ता काटते हुए निकल जाती है तो हम कुछ समय के लिए वहीं रुक जाते हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो इसके बाद पहले चप्पल फेंकते हैं और फिर खुद गुजरते हैं, तो कुछ लोग कुछ और कई अलग तरह से तरीके अपनाते हैं ताकि इसका असर खत्म किया जा सके। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम वास्तव में ऐसा क्यों करते हैं, या ऐसा क्यों कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें वहां से एकदम से गुजरना नहीं चाहिए, या ये अशुभ होता है? ऐसा कोई नहीं सोचता, क्योंकि हर कोई का किसी ना किसी से यह सुना होगा कि ऐसा होने पर अपशगुन होता है। परंतु आज हम आपको बताएंगे इसकी वास्तविक वजह क्या है, आखिर हम बिल्ली द्वारा रास्ता काटने पर क्यों रुकते हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ यह माना गया है कि जब दो बिल्लियां लड़ रही हों तो उस घर में कलह का संकेत होता है। अगर बिल्ली जिस घर में रो रही होती है तो वह उस घर में किसी की मृत्यु का संकेत होता है, और यदि बिल्ली रास्ता काटती है तो यह किसी दुर्घटना का संकेत देती है। साथ ही राहु की सवारी बिल्ला को माना गया है और राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है जो सामान्यतः बुरा प्रभाव देता है। इसी कारण बिल्लियों द्वारा रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।